जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम के मौके पर इस्लामाबाद के शॉपिंग मॉल में फन खताती की 3 रोजा नुमाइश मुनाकिद की गई। नुमाइश में खताती के जरिए अल्फाज की बनावट ऐसी की गई कि शुरका दाद दिए बिना ना रह सके। शहरियों का कहना था कि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम के मौके पर ऐसी नुमाइश का इनेकाद बाइस से मुसर्रत है। من المحيي من المميت من الهادي رحمن رحيم الله يا كريم الله رحمن رحيم الله يا حليم الله رحمن رحيم الله يا عظيم الله رحمن رحيم الله يا عظيم الله अंदाज से लिखे गए फन पारे खुदाए बुजुर्ग बरतर की बड़ाई बयान करते रहे। खतात वासिल शाहिद का कहना है कि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के मौके पर खताती के जरिए अपनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार किया है। फन खताती करने का तजुर्बा बुनियादी तौर पर आपकी इल्मी और फिक्री जो इजहार है उसके साथ एक रूहानी तरक्की का भी जरिया है। आप रूहानी तौर पे अपनी शख्सियत को बहुत ज़्यादा आगे लेके चाहते हैं। आपकी इस फन की बरकत की वजह से आपके अंदर बहुत ठहराव पैदा होता है, सब्र पैदा होता है, तवाजुन पैदा होता है। रूह को सुकून और आंखों को ठंडक देने वाली खूबसूरत तस्वीर ने देखने वालों के दिल में घर कर लिया। फन खताती को इस्लामी रिवायात में मुनफरिद मुकाम हासिल है। सोने के औराक से कुंदा की गई ये फन खताती देखते हुए शहरी कल भी राहत और सुकून महसूस कर रहे हैं। कैमरा